सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमारे देश के अंदर 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, लगभग 5 करोड़ 70 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लगभग 2 लाख 30 हजार लोगों की हर साल मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट से मौत हो जाती है। क्या आप जानते हो हमारे देश के अंदर 4000 से भी कम साइकेट्रिस्ट है। क्या आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ अपने बजट में से 4 रुपये मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करती है और इसमें से 90% लोगों को मेंटल हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के आगे मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ तथ्य रखे, कुछ फैक्ट रखे। और जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी की ये खबर सुनी है, तब से मेरे दिमाग में और मेरे को लगता है सबके दिमाग में ये बात होगी कि एक इंसान के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इज्जत, पैसा, हर चीज़, दुनियादारी का जो सुख होता है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा कदम उठाना पड़ा। और मैं उन लोगों की भी बात करना चाहता हूँ, ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी की बात नहीं है, इनके अलावा और भी ऐसे हम लोग कितने केसेस जो देखते हैं कि जब हमारे देश के जो फार्मर्स हैं यानी कि किसान हैं, वो भी आत्महत्या करते हैं। तो एक तरफ ऐसा इंसान है जिसके पास दुनियादारी का हर सुख है और एक तरफ ऐसे इंसान है जिनके पास दुनियादारी का सुख कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, और दोनों ही लोग ऐसा कदम उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो दोनों की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको ये कदम ऐसा उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल है और इसका सॉल्यूशन भी हमें एक यूनिवर्सल ही ढूंढना होगा। जैसे आप देखते हैं कि योग है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसी तरीके से एक टेक्निक है, एक टूल है जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जिसका नाम है विपश्यना। विपश्यना को गौतम बुद्धा ने खोज किया था 2500 साल पहले। वो किसी कारणवश हमारे विश्व से लुप्त हो गई और अब वो दोबारा से हमारे को शुद्ध रूप में मिली है। इसके बारे में और जानने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसके बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसका नाम है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब यह है कि आप जो भी प्रॉब्लम डील कर रहे हो, जिस भी समस्या से डील कर रहे हो, उसको अगर किसी के साथ शेयर करने से, किसी के आगे बातचीत करने से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन ना भी मिले पर आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा वो बात करने से, आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, कोई आपकी बात सुनने के लिए है, जो कि ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनके साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। तो शेयरिंग करने में कोई बुराई नहीं है और आपकी प्रॉब्लम को कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप कैसे ऐसा सोच सकते हो या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। और आप अपनी प्रॉब्लम ऐसे आदमी के साथ शेयर करो जिस पे आप भरोसा रखते हो। अगर अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी ईमेल आईडी दूंगा, हम लोग बात कर सकते हैं, आपको मैं सपोर्ट कर सकता हूं, आपकी प्रॉब्लम को सुन सकता हूं, मेरे पास कोई सॉल्यूशन होता तो मैं आपको जरूर दे सकता वहां से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहां जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग।